ऐसा लगा आइलैंड का मंदिर. आइलैंड का मंदिर अच्छा लगा. ये तो ऐसी है, मतलब ऊपर से मतलब जैसे एक कमरा टाइप का, उसमें फोटो लगा रखी सारी मूर्तियां लाके. हमारा प्रसाद है सूजी मिक्स और राइस मिक्स. हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे. मैं भी काफी बढ़िया हूँ. दोस्तों स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में. और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग को काफी एंड तक जरूर देखिएगा. सो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं विद फैमिली मंदिर, और जो कि यहाँ के जो मंदिर है हिंदू मंदिर, वो खुलते हैं 6 से 7 बजे तक, तो 1 घंटे के लिए ही खुलते हैं. तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, और जय वगैरह युक्ति को लेके जा चुके हैं, और मैं रास्ते में हूँ, नीचे उतर रही हूँ घर से. सो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा. आई होप आपको आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगेगा. सो मैं निकलती हूँ, मैं लेट हो गई थोड़ा सा, चलो. सो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं मौसम कितना लाजवाब हो रखा है, कितना सुंदर हो रखा है, और ये सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, कितना हसीन पल लग रहा है. मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, एकदम इंडिया की याद आ गई यहाँ पे आके. सो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर, हिंदू वैदिक मंदिर है. यहाँ पे है चप्पल चप्पल उतारने के लिए. हमारी बेटी भी जग चुकी है. कोने बता दो अपने अपने जूते पैर से. हैं? नहीं नहीं सॉक्स को उतारने, मर्जी है, मैं तो नहीं उतारी. लेकिन वैसे मंदिर जगमगा रखा है आज. यहाँ पे पूजा थी पता, दुर्गा पूजा, नवरात्रों की दुर्गा पूजा थी इधर. हम लोग आए नहीं नवरात्रों में. कितना अच्छा सजा रखा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे. कितना सुंदर सजा रखा है माता रानी को, देख सकते हैं आप लोग. और हम लोग आ चुके हैं टिमटिमाते मंदिर में. तो दोस्तों आज ज्यादा क्राउड नहीं है. हमारा मंदिर. फिर दोस्तों हम लोग गए पूजा करने के लिए, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर कोई भगवान है, मतलब सारी मूर्तियाँ रखी हुई है भगवान की. तो उसके बाद हमने की भगवान जी की पूजा, और यहाँ पे फोन लगा हुआ है लाइव के लिए, मतलब लाइव दर्शन जो करते हैं लोग. सो दोस्तों यहाँ पे आके ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम जैसे इंडिया में मंदिरों में जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, तो मतलब इतना अच्छा सुकून मिल रहा था मंदिर में आके. सो दोस्तों सोमवार के दिन थोड़ा बहुत क्राउड होता है यहाँ पे, और आज भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं. और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर प्रकार के भगवान हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारे हैं. और मैंने प्रसाद वगैरह फूल वगैरह चढ़ाए भगवान जी को, सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे. और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइव आरती भी होती है. लाइव आरती में ये मतलब एवरी डे होता है, 6 to 7 ये ओपन होता है हिंदू वैदिक मंदिर जो कि डबलिन में है. तो आप लोग भी अगर आइलैंड में है तो आप लोग ज़रूर आइए, काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी शांति मिलती है. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और मेरी सासू माँ जी को भी काफ़ी अच्छा लगा. और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे क्योंकि पूजा आरंभ होने वाली है. दोस्तों अब हम जा रहे हैं इधर से. सो दोस्तों अब पूजा वगैरह हो चुकी है, और हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए. लाइन लगी है लंबी वाली.
युक्ति। प्रसाद की लाइन में लगे हुए हैं हम लोग। हमारा प्रसाद है सूजी मिक्स और राइस मिक्स और हम लोग खा रहे हैं अभी सारे लोग, और सबको मिल चुका है प्रसाद काफ़ी। और ये मंदिर 7 बजे क्लोज हो जाता है। दोस्तों अब लोग हम लोग जा रहे हैं अभी घर की साइड। पहन ले शूज़, पहन ले शूज़, पहन ले। सो दोस्तों अब हम निकल गए फाइनली। पीछे तो हमारी ट्रॉली भी हो गई और रात हो चुकी है। कितने टाइम होंगे? 7 बजे गए होंगे। और मैं अभी प्रसाद खा रही हूँ। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। सो दोस्तों अब लोग हम लोग जा रहे हैं घर की साइड। सो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं घर पे, और ये हमारा घर का रात का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारी है फार्मेसी घर के नीचे ही। कैसा लगा आप लोगों को मंदिर में जाके? ठीक लगा, अच्छा। कैसा लगा आइलैंड का मंदिर? आइलैंड का मंदिर अच्छा लगा। अब यहाँ पे और भी मंदिर है, कौन कौन से? राधा कृष्ण का मंदिर है और गुरुद्वारा है और भी है, चीज का है। ये हिंदू मंदिर है ना, हिंदू मंदिर बोल सकते हैं इसको। हाँ तो युक्ति हाँ, जैसे सरसा में गए थे। हाँ उधर ही गए थे हम लोग। हाँ हिंदी में बोल रहे हैं। हाँ गाना गुना गा रहे सब वही कर रहे हैं और क्या। अभी तो चलो बढ़िया लगा ना, मतलब आपको ठीक लगा? ठीक ही लगा। हाँ बनावट वाले मंदिर है। ये तो ऐसी है, मतलब ऊपर से मतलब जैसे एक कमरा टाइप का, उसमें फोटो लगा रखी सारी मूर्तियां ला के।